हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हम पॉलीमर आपका यूनिट पढ़ रहे हैं। कुछ हम पॉलीमर्स पढ़ रहे थे, पॉलीथीन, बैकलाइट वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा था। हम रबर से पहुँचे हैं, नेचुरल रबर की हम बात कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप इससे पहले वाले वीडियोस में देख सकते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ नेचुरल रबर। इंस्पेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचुरल रबर रिवील्स दैट देयर आर नो पोलर ग्रुप्स सबस्टिट्यूएंट्स एंड हैंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर ऑनली वीक वंडरवाल इंटरेक्शन। क्या मतलब है इसका? देखो कल हमने पढ़ा था आइसोप्रीन, एक आइसोप्रीन यूनिट होता है उसमें रबर में, और ये SS CH2 CH3, ऐसे आपका ये चेन बनेगी। हमने दो तरह का पढ़ा था, सिस और ट्रांस। देख सकते हैं इससे पहले वाले वीडियोस में, सिस, ये सिस होगा, और यही ग्रुप अगर ऐसे ऊपर CH2 ऐसे, और अपोजिट साइड लगे होंगे ये, और ये अपोजिट साइड होंगी लिंकेज, तो ये हो गया ट्रांस। बात कर रहे हैं हम सिस की। किसकी? सिस की बात कर रहे हैं। तो कहता है कि नो पोलर ग्रुप्स, आपने इसमें देखा कोई पोलर ग्रुप नहीं है। ये जो बिल्कुल मॉलिक्यूल है सी डबल बॉन्ड सी, और ये जो पूरा एक मॉलिक्यूल बनता है जिसमें सिस और ट्रांस बनेगा, ये पोलर नहीं है। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नॉन पोलर है। इसलिए इसके बीच में जो इंट्रैक्शन होती है, मान लो ऐसे ऐसे करके एक चेन बनी, एक पॉलीमर की चेन बनी, दूसरी पॉलीमर की चेन बनी, तो आपस में क्योंकि ये पोलर ग्रुप है नहीं, इसलिए इंट्रैक्शन जो होती है इनकी वो वीक होती है। कौन सी? वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वंडरवाल इंट्रैक्शन होती है इनकी, एंड हेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑनली वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन। दीज फोर्सेज आर फर्दर वीकेंड बिकॉज ऑफ द सिस कॉन्फिग्रेशन। आपके पास दो हैं, सिस और ट्रांस, तो सिस में और कम होती है, ट्रांस में। सिस जो है, एक तो इंट्रैक्शन ऑलरेडी इसमें कम है, और इसमें सिस में और ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। कैसी इंट्रैक्शंस? जो चेन्स की आपस में इंट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होती है, सिस में कम होती है, सॉरी सिस में कम होती है और ट्रांस में थोड़ी ज्यादा होती है। विच डज नॉट अलाउ द पॉलीमर चेन टू कम क्लोज एनफ फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। तो पॉलीमर्स की जो चेन, जैसे ये एक चेन है, ये दूसरी चेन, ये क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शंस कम हैं, इसलिए ये बहुत नज़दीक नहीं आते। नज़दीक नहीं आते तो क्या होता है? द सिस पॉलीमर आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन डज नॉट हैव अ स्ट्रेट चेन बट हैव अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है? जो आपकी चेन बनेगी पॉलीमर की चेन, वो कोई स्ट्रेट चेन नहीं बनेगी, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे क्वाइलिंग से क्या होता है, चेन्स आपस में दूर दूर रहती हैं। अगर स्ट्रेट होगा ऐसे ऐसे तो पास रहेंगी, बट क्योंकि इनके बीच में इंट्रेक्शन नहीं है तो क्वाइल हो जाते हैं, इसलिए वो दूर दूर, उनका डिस्टेंस जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्वाइल्ड शेप में ये रहते हैं। किसकी बात हो रही है? सिस की। एज अ रिजल्ट इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ स्प्रिंग। ऑन स्ट्रेचिंग द मॉलिक्यूल बिकम पार्शली अलाइंड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड ऑन विदड्राइंग द फोर्स द चेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल क्वाइल्ड स्टेट। क्या कहने का मतलब है कि जब ये क्वाइल्ड है, ये एक चेन ऐसे क्वाइल्ड है, दूसरी चेन क्वाइल्ड है, जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये चेन थोड़ी स्ट्रेच हो जाएंगी, पर जब ऐसे ही फोर्स रिमूव कर दोगे तो ये फिर से क्या बन जाएंगी, क्वाइल्ड बन जाएंगी। इसलिए इसकी क्या आ जाती है, इलास्टिसिटी जो है आपकी आ जाती है। नेचुरल रबर की बात हो रही है और उसमें भी सिस की बात हो रही है, क्योंकि आपस में इन चेन के बीच में आपस में कोई उतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं इसकी वजह से, और सिस में और कम है इसलिए ये क्वाइल्ड शेप में रहता है, और स्ट्रेच करने पे स्ट्रेट हो जाता है, और फोर्स जब रिमूव कर देते हैं तो वापस ये स्ट्रेट चेन आ जाती है, बस वापस ये क्वाइल्ड चेन की फॉर्म में आ जाता है। यही रीजन है इसकी इलास्टिसिटी का। दस नेचुरल रबर इज इलास्टिक।
इन कंट्रास्ट ड्यू टू ट्रांस ओरिएंटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स गुट्टा परचा द हैज हाईली रेगुलर जिग जैग चेन्स विच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड मच। हमने पढ़ा था पीछे कि जो जो नेचुरल रबर्स हैं उसमें सिस कॉन्फिग्रेशन होती है, जो आपके सिंथेटिक हैं उसमें मेनली ट्रांस कॉन्फिग्रेशन होती है। ट्रांस होने की वजह से क्या होता है, वो जिग जैग शेप में रहते हैं चेन्स और थोड़े क्लोज एनअप भी रहते हैं, पॉलीमर चेन्स क्लोज भी रहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ट्रांस में जो इंटरेक्शन होती है चेन के बीच में, इंटरेक्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है तो वो क्लोज होते हैं। जो सिस में वो इस क्योंकि क्वाइल शेप में रहते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन उतनी नहीं होती, तो जो जिगजैग में रहेंगे उसमें इंटरेक्शन थोड़ी सी ज्यादा होती। स्ट्रेच मच, देयरफॉर गोटा परचा इज कंसिडर्ड टू बी नॉन इलास्टिक, इसलिए ये इलास्टिक नहीं होते हैं। जैसे क्वाइल देखा होगा आपने, स्प्रिंग जैसी क्वाइल होती है तो करोगे तो स्ट्रेट हो सकती है, छोड़ दोगे वो वापस आ जाएगी। जो सिस है वो क्वाइल शेप में रहती है इसलिए इलास्टिक है, पर ट्रांस जो है वो कैसे रहती है, थोड़ा रिजिड होती है, थोड़ा सा इस शेप में रहती है जिग जैग में, इसलिए इसकी उतनी इलास्टिसिटी नहीं होती, इसलिए सिंथेटिक रबर जो है उतना इलास्टिक नहीं। ड्यू टू द क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नेचुरल रबर डज नॉट फिट क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस एंड हैज कंसिडर्ड टू बी द नॉन क्रिस्टलाइन, क्योंकि ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल लैटिस है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो परफेक्टली उसमें फिट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्रिस्टलाइन नहीं बोलते हैं हम इसको, ये नॉन क्रिस्टलाइन तरह का सॉलिड सब्सटेंस है। इन कंट्रास्ट हाईली जो जिगजैग स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट एक ज्योमेट्री में रहता है, बिल्कुल परफेक्ट उसमें एक अरेंजमेंट रहता है। आपको पता है क्रिस्टलाइन वही होते हैं जिसमें एक परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको आप क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जो कौन से हैं, ट्रांस वो या वो मोस्टली सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक जो है वो क्रिस्टलाइन और जो आपके नेचुरल हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन। तो ये बात हो रही थी किसकी, नेचुरल रबर की। नेक्स्ट क्या रबर है आपका, वल्कनाइज्ड रबर। देखो क्या लिखा है, जो नेचुरल रबर हम निकालते हैं वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, थोड़ा सा इलास्टिक तो होता है बट उतना थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उनको आप अलग अलग वैरायटी के कामों में नहीं ला सकते, क्योंकि कहीं जगह पे आपको रबर की अलग अलग प्रॉपर्टी चाहिए, कभी हार्ड भी होना चाहिए, कभी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना चाहिए, कभी उसका रेजिस्टेंस, वेयर एंड टीयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। हर जगह वो सॉफ्ट रबर नहीं यूज हो सकता, उसके लिए एक प्रोसेस हम करते हैं, इट इज़ वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइजेशन जैसे आपको आएगा माइंड में तो आपको सल्फर याद आना चाहिए, क्या है, सल्फर का यूज हम इसमें करते हैं। नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड टैकी, टैक मीन स्टिकी, सॉफ्ट होता है, जो प्लांट से रबर निकलता है वो सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, एंड बिकम्स इवन मोर सो एट हाई टेम्परेचर। जब आप उसको हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो और ज्यादा लिक्विड, और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, एंड ब्रिटल लो टेम्परेचर, अगर कम करोगे टेम्परेचर तो ब्रिटल हो जाएगा, मतलब उसके टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। देयरफॉर रबर इज जनरली यूज्ड इन द टेम्परेचर रेंज 283 टू 335 केल्विन के बीच में ही इसको यूज करना पड़ेगा हमको, 283 टू 335 रेंज में हम इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम करोगे तो ब्रिटल हो जाएगा, इससे ज्यादा करोगे तो जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। 283 टू 335 वेयर इट्स इलास्टिसिटी इज मेंट, इट हैज अ लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। थोड़ा सा डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि नेचुरल रबर की क्या क्या डिसएडवांटेज, एक तो एक उनकी कोई परफेक्ट टेम्परेचर रेंज है जिसमें उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन होके रहती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, वो वाटर, कोई रबर होगा नेचुरल रबर तो वो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब दूसरा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक तो इसकी टेम्परेचर रेंज है, वाटर के अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि लोड उतना नहीं उठा सकता, लो रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, एब्रेशन मीन्स डिकम्पोजिशन वगैरह, या जो उस पर अटैक करते हैं डिकम्पोज हो जाता है वो, तो लो रेजिस्टेंट है, हो सकता है।
इट इज़ ऑल्सो नॉन रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर ऑर्गेनिक चीज़ें इस पर पड़ती हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन हो गया, एल्कोहल जो है, ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, एसिटिक एसिड हो गया, एसिड्स हो गए कुछ, तो उसमें उसके अगर वो इन पे एक्ट करेगा तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है नेचुरल रबर की। एंड इज ऑल्सो ईजली अटैक्ड बाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या दूसरे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई केमिकल जैसे, उस पर भी इसमें अटैक कर सकते हैं, नेचुरल रबर की बात हो रही। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड मार्कली बाई द प्रोसेस कॉल्ड वल्कनाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग रॉ रबर विद सल्फर 373 टू 415 केल्विन। ये जो सब इसमें जो चीज़ें हैं, जो गलतियां हैं, जो जो इसमें लिमिटेशंस है, उनको ओवरकम किया जा सकता है वल्कनाइजेशन से। वल्कनाइजेशन में क्या करना है, नेचुरल रबर लेना है और इसको सल्फर की प्रेजेंस में हीट करना है, हीट करना है इसको 373 टू 415 केल्विन तक इसको हीट करना है, तो एक रबर बन जाएगा जिसको आप वल्कनाइज्ड रबर बोलेंगे। रबर लेना है नेचुरल रबर, उसको सल्फर की प्रेजेंस में हीट करना है, कितने पे हीट करना है, 373 टू 415 केल्विन पे हीट करना है और आपका बन जाएगा वल्कनाइज्ड रबर। सिंस दिस प्रोसेस इज स्लो, देयरफॉर एडिटिव्स लाइक जिंक ऑक्साइड, क्योंकि ये जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो है, इसलिए उसके अलावा आपने कुछ एडिटिव्स, कुछ और चीज़ें उसमें यूज़ करनी है, जैसे जिंक ऑक्साइड आप उसमें यूज़ करेंगे। आर यूज टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ वल्कनाइजेशन, ताकि थोड़ा सा रेट बढ़ जाए, स्पीड अप हो जाए। वल्कनाइज्ड रबर दस ऑब्टेंड हैज एक्सेलेंट इलास्टिसिटी। अब जो उसमें कमियां थी वो हमने ठीक कर दी, नेचुरल रबर को वल्कनाइज्ड रबर बना दिया सल्फर के साथ हीट करके, 373 टू 415 केल्विन पे हीट करके वल्कनाइज्ड रबर बना दिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ एडिटिव्स जैसे जिंक ऑक्साइड। अब इसमें जो कमियां थी वो उसमें हमने ठीक कर दी, जैसे इलास्टिसिटी हम बोल रहे थे, इसमें इलास्टिसिटी की एक रेंज है, बट इसमें क्या है, एक्सेलेंट इलास्टिसिटी, लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी। हमने पढ़ा था नेचुरल रबर में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, वो उतना वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। एंड इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हमने देखा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी इस पर एक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी इस पर एक्ट कर सकते हैं, इसमें ये दोनों काम नहीं करते, कम काम करेंगे, कम इस पर इफेक्ट डालेंगे। During vulcanization, sulfur bridges or cross links between polymer chains are introduced either at their reactive allylic positions or at the sites of double bonds. क्या होता है vulcanization से, क्या हो जाएगा, जो natural rubber में sulfur चला जाएगा, देखो natural rubber में क्या है, ये मान लो इसकी chains हैं polymer की, और sulfur क्या हो जाता है vulcanized rubber में, ये चेन्स के बीच में सल्फर के ब्रिजेस बन जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग हो जाती, इसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वाटर को कैपेसिटी है लेने की, वो सब कुछ चेंज हो जाती है, स्ट्रेंथ वगैरह चेंज हो जाती है, इलास्टिसिटी चेंज हो जाती है, ये सब किसकी वजह से, वल्कनाइजेशन की वजह से। कहाँ पे वो सल्फर कहाँ जुड़ते हैं, या तो एलाइलिक पोजिशंस पे या डबल बॉन्ड की पोजिशंस पे, देखते हैं हम आगे क्या होगा। ये दीज क्रॉस लिंक्स मेक रबर हार्ड, क्या हो जाता है इन क्रॉस लिंक से, हार्ड हो जाता है रबर, स्ट्रांग हो जाता है रबर। रिमूव द टेकीनेस, जो स्टिकीनेस है वो कम हो जाती है। सिंस द इंडिविजुअल चेन्स कैन नो लॉन्गर स्लिप ओवर द अदर बट आर इंस्टेड लॉक्ड टूगेदर इन अ गेंट साइज मॉलिक्यूल। देखो पॉलीमर चेन्स ऐसी ऐसी, ये अब अगर इनके बीच में फोर्सेस कम है, ये नेचुरल रबर की बात हो रही है, ये आपकी पॉलीमर चेन्स नेचुरल रबर में, और ये है वल्कनाइज्ड रबर में सल्फर से कंटेक्ट की हुई क्रॉस लिंक है।
अब ये क्योंकि इनके बीच में कोई है नहीं, फोर जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकते हैं, स्लिप पास हो सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, लिक्विड टाइप के होते हैं, सॉफ्ट टाइप के होते हैं, मगर क्योंकि इसमें क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं इसलिए ये हार्ड हो जाते हैं, स्टिकीनेस भी कम हो जाती है, हार्डनेस स्ट्रेंथ सब बढ़ जाती है किसमें, वल्कनाइज्ड रबर में, लॉक्ड टुगेदर इन अ गेंट साइज मॉलिक्यूल। द एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस और टफनेस हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर एडेड, कितना हार्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी सल्फर की क्रॉस लिंकिंग है। अगर 5% सल्फर डाल रहे हो वो टायर रबर है, उतना हार्ड है जो टायर का रबर होता है, 5% सल्फर होता है उसमें। 20-25 होगा फॉर एबोनाइट, मेकिंग एबोनाइट, इससे भी एक हार्ड मटेरियल होता है रबर का, एबोनाइट उसको बोलते हैं, वो बनाने के काम में आता है अगर आप 20-25% सल्फर डालते हैं। और अगर 30% सल्फर डालते हैं बैटरी केस रबर, देखो बैटरी के जो कवर होते हैं बाहर से वो भी इस रबर के बने होते हैं, बैटरी केस रबर, उसमें 30% जो है वो सल्फर, वो और ज़्यादा हार्ड होता है। द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई चार्ल्स गुड ईयर इन 1839। आप इसमें ये याद रखेंगे, गुड ईयर, गुड ईयर 1839 में इसने ये दिया, ये वाला मेथड वल्कनाइजेशन का, सिंपल सल्फर हमने क्रॉस लिंकिंग बना देनी है उसमें, और हार्डनेस डिपेंड करेगी कितनी क्रॉस लिंकिंग है। 5% सल्फर यूज कर रहे हो तो वो टायर रबर्स में आएगा, 20-25% सल्फर यूज कर रहे हो और 30% सल्फर यूज कर रहे हो, 20-25 जो है वो इबोनाइट बनाने के काम में आएगा और 30% जो है वो आपका बैटरी केस, बैटरी केस बनाने के काम में आएगा। और इसने किसने किया, गुड ईयर ने 1839 में इसको डिस्कवर किया। दिस इज ऑल अबाउट वल्कनाइजेशन, ये हम देखते हैं इसमें, देखो ये एक चेन है, ये वाली एक चेन है पॉलीमर की, ये वाली दूसरी चेन है और ये सिस है, क्या है, सिस है, सिस, देखो सिस क्यों बोला मैंने, देखो यहां पे ये वाला जो है कार्बन ये जुड़ा है चेन के साथ और ये वाला भी जुड़ा है चेन के साथ, दोनों एक ही तरफ के हैं, तो दोनों एक ही तरफ के इसलिए इसको सिस बोलते हैं। ट्रांस वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड के एक यहां जुड़ा हो लिंक और एक यहां जुड़ा हो, ये हो गया ट्रांस। मगर इस डबल बॉन्ड के अगर इधर ही जुड़ा हो दोनों एक ही तरफ या ऊपर या दोनों नीचे, तो इसको आप बोलेंगे सिस। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें दोनों ऊपर जुड़े हैं, यहां भी और यहां भी ऊपर जुड़े हैं, इसलिए सिस। तो ये एक पॉली, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, बीच में दिख रहा होगा कि क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल डबल डबल। जब आप इसको हीट करेंगे सल्फर के साथ तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे सल्फर लिंकेज बन जाएगी, ऐसे सल्फर, ऐसे सल्फर, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी सल्फर की, ये सल्फर की क्रॉस लिंक बीच में बन जाएंगे, ये अब ये दोनों चेन जो हैं वो आपस में जुड़ गई, सल्फर से जुड़ गई, तो एक वल्कनाइज्ड रबर आपका बन गया। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मेकिंग ये कि देयर रिएक्टिव एलाइलिक पोजिशंस आर एट द साइट्स ऑफ डबल बॉन्ड। सल्फर कहाँ जुड़ेंगे, या तो एलाइलिक पोजीशंस पे जुड़ेंगे या डबल बॉन्ड की पोजीशन पे जुड़ेंगे। अब यहाँ तो दिख रहा है आपको ये डबल बॉन्ड की पोजीशन पे जुड़ रहे हैं, एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली, ये जो डबल बॉन्ड के साथ वाली पोजीशन होती है ये, इसको एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, या ये वाली पोजीशन, इस पे भी आपका यहां से लिंकेज बन सकती है, बहुत रेयर केसेस में, कम होता है वो, बट मोस्टली जो है वो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन पे आपका सल्फर के बॉन्ड बनेंगे। आप इसको याद रखें कि इसको आप बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक पोजीशन, जो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन, ये वाली पोजीशन जो है इसको आप बोलेंगे, ये वाली पोजीशन इसको आप एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे। यहां पे भी सल्फर लिंकेज बन सकती है या डबल बॉन्ड पे ही सल्फर लिंकेज बन जाएगी, इसका कहने का यह मतलब है।
ठीक है, और ये आपका ऐसे क्रॉस लिंकिंग बन जाएगी, वल्कनाइज्ड रबर ये बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइजेशन क्या होता है, सल्फर के साथ उसको नेचुरल रबर को हीट करना, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एक्शन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का एक्शन, सब कुछ बदल जाता है, चेंज हो जाता है, हार्डनेस, स्टिकीनेस। नाउ नेक्स्ट इज सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर के बाद हम चलते हैं किस पे, सिंथेटिक रबर पे, जो हम बनाते हैं। सिंथेटिक रबर में भी डिफाइंड एज द वल्कनाइजेशन रबर लाइक पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इज लेंथ, हाउएवर इट रिटर्न टू इज ओरिजिनल साइज एंड शेप वेन द स्ट्रेचिंग फोर्सेज विदड्रॉन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि वो रबर जिसको आप इससे ट्वाइस लेंथ में बढ़ा सको, स्ट्रेच कर सको, उसको आप बोलेंगे सिंथेटिक रबर, जो सिंथेटिक तरीके से हम बनाते हैं, बट वो रिगेन भी करता है अपनी शेप को। मेजॉरिटी ऑफ दीज रबर्स आर डिराइव फ्रॉम ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव। मेनली इसमें याद रखना है, इसमें होता है ब्यूटाडाइन। जो नेचुरल रबर में मोनोमर था वो था आइसोप्रीन। नेचुरल रबर में मोनोमर क्या था, आइसोप्रीन, और इसमें क्या है, ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन का ये डेरिवेटिव। वो भी 1,3-ब्यूटाडाइन ही था, बट वो था 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। इसमें क्या है, वो ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव है एंड कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सो दैट दे कैन आल्सो बी वल्कनाइज्ड। उसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड जहां भी होगा रबर में, तो इनको भी वल्कनाइजेशन इनकी की जा सकती है। सिंथेटिक रबर्स की बात हो रही है। द सिंथेटिक रबर्स आर आइदर होमोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, या तो सिर्फ 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन ऐसे ही बन जाए। होमोपॉलीमर लिखा है ना, होमोपॉलीमर मतलब जो मोनोमर है वो सेम है। हमने पढ़ा था पीछे मोनोमर्स क्या है, सेम, और सेम कौन सा है, ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये भी 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये सब सेम है। होमोपॉलीमर भी हो सकता है, या आर इट्स डेरिवेटिव्स, या ब्यूटाडाइन के कुछ डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, उनका होमोपॉलीमर हो सकता है, या कोपॉलीमर होगा 1,3-ब्यूटाडाइन का या उसके डेरिवेटिव्स का विद अनदर अनसेचुरेटेड मोनोमर। देखो, या तो ये सिर्फ ब्यूटाडाइन होगा, मान लो ये ब्यूटाडाइन है, या तो सिर्फ ब्यूटाडाइन जुड़े होंगे तो होमोपॉलीमर होगा, या उसके डेरिवेटिव्स होंगे, या तो अगर कोपॉलीमर होगा तो ब्यूटाडाइन प्लस कोई और अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ब्यूटाडाइन कोई और अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ऐसा भी हो सकता है ब्यूटाडाइन हो या उसका कोई डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव किसका, ब्यूटाडाइन का और अनसेचुरेटेड, डेरिवेटिव ब्यूटाडाइन का अनसेचुरेटेड, ऐसा भी हो सकता है अगर कोपॉलीमर है तो। जस्ट इसमें यही याद रखेंगे आप। कुछ हमने पढ़ने हैं, जैसे नियोप्रीन आपका पहला सिंथेटिक रबर है। नियोप्रीन इट इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। आप इसमें याद रखेंगे क्लोरोप्रीन, तो इसमें क्लोरीन होगा, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-क्लोरो, जैसे उसमें 2-मिथाइल था, आइसोप्रीन में 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन था, इसमें 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीक्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन से ये क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन क्लोरोप्रीन से मिलकर बना है, तो इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। क्लोरोप्रीन needed for this purpose is prepared by the addition of HCl to vinyl acetylene. Vinyl acetylene. Chloroprene कैसे बनाएंगे अब? Prepared by the addition of HCl to vinyl acetylene. शुरू कैसे, देखो ये reaction यहां पर दी हुई है, हम सबसे पहले लेंगे acetylene. Acetylene होता है ethyne. C triple bond C H एच, ये होता है इथाइन, इथाइन बोलते हैं इसको, या इसी को आप एसीटाइलीन भी बोलते हैं। एसीटाइलीन किसको, ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये वाला, ठीक है। इस एसिटाइलिन को हमने क्या करना है, इसको पहले ट्रीट करना है डाइक्लोरोमीथेन से।
ये है डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2, डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है और मीथेन एक कार्बन एटम, इसलिए मीथेन, इन प्रेजेंस ऑफ एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इससे क्या हो जाएगा, विनाइल एसिटाइलीन बन जाता है। दो हैं ये वाले, दो ग्रुप हैं, तो विनाइल एसिटाइलीन बन जाता है आपका। किससे, एसिटाइलीन के दो आपके पास ये हैं, ये ऐसे CH और CH, दो लेते हैं और साथ में इसमें यूज़ करते हैं CH2Cl2, और इसमें ये साथ में यूज़ करेंगे आप एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये आपका बन जाता है विनाइल एसिटाइलीन। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये इसमें से एक, ये डबल बॉन्ड, ये जो है एक बॉन्ड खत्म हो जाता है तो ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसा रह जाएगा फिर, ये CH, ये वाला CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये हाइड्रोजन जो है यहां से उठ के कहां आ गया, यहां तो सी ही रह गया, और ये कार्बन जुड़ गया इसके साथ सिंगल बॉन्ड CH, ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया सिंगल बॉन्ड CH, और फिर पीछे रह गया डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जब इधर आया तो ये बन गया CH2, CH से बन गया ये CH2, ये बन गया आपका विनाइल एसिटाइलीन। ये एसिटाइलीन था, ये ग्रुप आपका विनाइल है, तो ये बन गया आपका विनाइल एसिटाइलीन। इस विनाइल एसिटाइलीन को जब HCl से ट्रीट करेंगे तब आपका बनेगा क्लोरोप्रीन। अब देखो विनाइल एसिटाइलीन में क्या हो जाता है, ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और CH। इसमें जब आप HCl ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, HCl, तो H में H है और Cl है, एक यहां पे लग जाएगा, एक ग्रुप यहां लगेगा और एक ग्रुप यहां लगेगा, बनेगा क्या पीछे ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, C पे लग जाएगा Cl, ये वाला Cl लग जाएगा C पे, और अब ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं रहेगा, डबल रहेगा, और CH पे एक H लग जाएगा, CH2 हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा क्लोरोप्रीन। HCl यहां पे जब जुड़ जाता है तो अब आपका बन जाता है क्लोरोप्रीन, और इस एडिशन को मार्कोव निकॉफ्स रूल बोलते हैं। द एडिशन टेक्स प्लेस ऑन द ट्रिपल बॉन्ड इन अकॉर्डेंस विद मार्कोव निकॉफ्स रूल। ये इस पे ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होती है, क्लोरीन लग जाता है इस कार्बन पे और हाइड्रोजन लग जाता है इस कार्बन पे। ये यहां पे हाइड्रोजन लग गया तो ये बन गया CH2, यहां पे क्लोरीन लग गया तो ये बन गया Cl। इसको आप बोलते हैं मार्कोव निकॉफ्स रूल, हम पढ़ेंगे डिटेल में मार्कोव निकॉफ्स रूल क्या है। विनाइल एसिटाइलीन नीडेड फॉर द पर्पज इज प्रिपेयर्ड बाय द डाइमराइजेशन ऑफ एसिटाइलीन। ये पहला वाला स्टेप बोल रहा है कि विनाइल एसिटाइलीन कैसे बनाएंगे, एसिटाइलीन की डाइमराइजेशन से, मतलब दो एसिटाइलीन लेके उनको जोड़ के विनाइल एसिटाइलीन बनाएंगे, जब आप इसको पासिंग इट थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड एट 343 केल्विन। यहां पे आप इसको इन चीजों में हीट करेंगे 343 केल्विन पे और आपका बन जाएगा विनाइल एसिटाइलीन। ये क्यूप्रस क्लोराइड है, CuCl2, ये CH2 नहीं है, कॉपर है यहां पे। तो ये हो गया आपका कि ये मोनोमर कैसे बनेगा। अब इस मोनोमर की पॉलीमराइजेशन करनी है। क्लोरोप्रीन पॉलीमराइजेज वेरी रैपिडली 700 टाइम्स फास्टर देन आइसोप्रीन, नो स्पेसिफिक कैटलिस्ट आर नीडेड बट द पॉलीमराइजेशन इज स्लोअर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन अकर्स बाय वन
क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल टू अदर एशोन। बस ये क्लोरोप्रीन जब बन गया तो आगे आपको पता है कि कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको करवाते हैं, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। देखो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, सी एच टू डबल बॉन्ड सी, इसके साथ क्लोरीन लगा है, सिंगल बॉन्ड सी, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा है सी एच टू, और ये है आपका सी एच, ऐसा है, ये क्लोरोप्रीन। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी आपका ख़त्म हो गया और ये डबल बॉन्ड भी आपका ख़त्म हो गया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब जब इसका ख़त्म हो गया तो इसके पास तीन ही बॉन्ड रह गए, तो इसलिए ये आगे एक बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ भी तीन, तो ये पीछे एक बॉन्ड बनाएगा, तो बनेगा क्या, सी एच टू, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड सी सी एल, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू आगे, तो ऐसे ये वाला यूनिट जो है आगा आपका आगे जुड़ जाएगा एन टाइम्स, ठीक है, ये किसी दूसरे, अब दूसरे क्लोरोप्रीन यूनिट के साथ जुड़ सकता है। तो ये आपका हो गया, ये ऐसे न्यूप्रीन बन जाएगा। इट इज एन एक्सेलेंट रबर लाइक मटेरियल, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से आपका बन जाएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन इज इंफीरियर टू नेचुरल रबर इन सम प्रॉपर्टीज बट सुपीरियर इन इट्स स्टेबिलिटी टू एरियल ऑक्सीडेशन एंड इन इट्स रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स। थोड़ा सा इंफीरियर है बट सुपीरियर किस केस में, एरियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती इतनी हवा में, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स से रेजिस्टेंट है। इट इज़ देयर फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ होजेज, होजेज क्या होती हैं, होजेज पाइप्स होती हैं, रबर की जो पाइप्स होती हैं उनको होजेज भी बोलते हैं। गैसकेट्स क्या होते हैं, गैसकेट्स आपने देखा होगा कहीं लीक वगैरह, मतलब ज्वाइंट होता है दो पाइप्स का, तो बीच में आप एक समझो आप वॉशल जैसी बोलते हैं उसको, रबर की वो डालते हैं उसको आप गैसकेट्स बोलते हैं। शू हील्स, स्टॉपर्स, ताकि लीक ना करे कोई चीज़ वहाँ से, तो वो जो रबर्स वहाँ पे यूज़ होता है वो है नियोप्रीन। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन इंसुलेटर फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स एंड प्रिंटिंग रोलर्स। तो ये दो चीज़ें भी, कन्वेयर बेल्ट्स एंड प्रिंटिंग रोलर्स, इनमें ये नियोप्रीन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो आपका सिंथेटिक रबर है, इट इज़ बूना एस। बूना ये को पॉलीमर है, दो हैं इसमें, ब्यूटाडाइन बूना बी यू, बूना बी यू मीन्स ब्यूटाडाइन, और एन ए ना इसका मतलब होता है सोडियम और एस का मतलब होता है स्टायरीन। तो ये ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का को पॉलीमर है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इसको आप बनाते हैं, इसलिए बूना एस। को पॉलीमर मिक्सचर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, एक इसमें है 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा है स्टायरीन। देखो ये है ब्यूटाडाइन और ये है स्टायरीन, हमने पहले भी इन दोनों स्ट्रक्चर हमने पढ़े, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन भी हमने पढ़ा, तो ये दो हैं इसमें आपके मोनोमर, को पॉलीमर ये करवाता है। 3:1 की रेशियो में हम इसको लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम भी आपने लेना है। गिव स्टायरीन ब्यूटाडाइन को पॉलीमर, इसको स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं, SBR भी बोलते हैं इसको, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर या सिंपल बूना एस। इन बूना एस बीयू स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, एन ए फॉर सोडियम विच इज द पॉलीमराइजिंग एजेंट एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टायरीन। बस इसमें तीन चीजें इसमें ये है, देखो ये आ गया ब्यूटाडाइन, ये आ गया स्टायरीन और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इसको हम करते हैं तो ये आपका बन जाता है। देखो इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खत्म, ये डबल बॉन्ड खत्म, अब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ एक नया बॉन्ड आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। अब ये वाला जो है ये इसके साथ जुड़ेगा और ये पीछे जो है पीछे वाली चेन के साथ जुड़ेगा। अब अगर ये इसके साथ जुड़ा तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो ये CH2 आगे एक और बॉन्ड
बनाएगा, तो ये आगे किसी और चेन के साथ जुड़ेगा। तो ये देखो ये वाला यूनिट बन गया CH2, यहाँ पे CH2, ये डबल था, ये सिंगल रह गया, अब ये सिंगल था तो डबल हो गया, ये डबल था तो सिंगल हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये सिंगल हो गया, और फिर ये वाला CH2 जुड़ गया इसके साथ, तो ये आ गया स्टायरीन के CH के साथ जुड़ गया, और फिर ये डबल बॉन्ड था यहाँ पे तो ये सिंगल हो गया, और ये CH आगे फिर फर्दर चेन के साथ जुड़ गया, तो ये आपका बना बूना एस। प्रॉपर्टी SBR बूना एस इज अ को पॉलीमर ऑफ स्टायरीन एंड ब्यूटाडाइन, अभी आपने पढ़ा, इट इज वेरी टफ एंड इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द नेचुरल रबर। जब हमने पढ़ा न्यूप्रीन तो ये थोड़ा सा नेचुरल रबर से इंफीरियर होता है, बट अब बूना एस की बात करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड है, टफ है। इट पोजेसेस हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट, हाई लोड बीरिंग कैपेसिटी, एब्रेशन मीन्स वही डिकम्पोजिशन वगैरह इसमें नहीं होती है, लोड बीरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसकी, एंड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स, मेनली जो टायर्स होते हैं वो इसी बूना एस के बनते हैं, बूना एस के बनते हैं वो टायर्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, जूते के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एंड केबल इंसुलेशन, जो केबल तार होती है उसकी जो बाहर से इंसुलेशन है बूना एस की बनी होती, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, बेटर होता है इस कंपेयर टू नेचुरल रबर। थर्ड जो है इट इज बूना एन, फिर इसमें भी क्या है, बूना मीन्स ब्यूटाडाइन और एन का मतलब होता है नाइट्राइल, यहां पे एन का मतलब है नाइट्राइल और यहां पे एनए का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे एनए का कोई मतलब नहीं। को पॉलीमर है किसका, 1,3 ब्यूटाडाइन का और एक्राइलो नाइट्राइल का, दिस इज एक्राइलो नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब होता है सी एन ग्रुप, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एन, इसको आप बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल, और दूसरा आपको ब्यूटाडाइन तो पता है, ये ब्यूटाडाइन है और ये एक्राइलो नाइट्राइल है। तो ये इन दोनों का को पॉलीमर है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में करना है, इसमें सोडियम नहीं यूज करना है इसलिए, बट ये नाम में इसमें रखा हुआ है एन ए बूना, और फिर इसकी प्रिपरेशन का भी वही तरीका है, यहां पे ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड से डबल हो जाएगा, देखो डबल हो गया, ये डबल से फिर सिंगल हो जाएगा, और ये CH जुड़ जाएगा इस CH के साथ, ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल, और ये CH आगे फिर आगे फर्दर जुड़ जाएगा, तो ये आपका बनेगा बूना N, N मीन्स नाइट्राइल, N बूना N स्टैंड्स फॉर एक्राइलो नाइट्राइल। यूजेस देखते हैं, एक्शन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का इस पर कोई एक्शन नहीं है, मतलब ऑयल टैंकर्स वगैरह उनको बनाने के काम में आ सकता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनका इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऑयल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का बूना एन पे असर नहीं पड़ता है। इट इज देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स होजेस एंड टैंक लाइनिंग्स, जिसमें आप ऑयल रखेंगे, तेल रखेंगे, पेट्रोल डीजल रखेंगे, तो इसमें ऑयल सील्स बनाने के, होजेस पाइप्स बनाने के लिए और टैंक लाइनिंग्स बनाने के लिए, दिस इज बूना एन। लास्ट जो है आपका इट इज थायोकोल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय को पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोन, 1,2, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोन, देखो क्या मतलब है इसका, इथेन क्या होता है, CH2 और इधर भी क्लोरीन लगा है, इधर भी क्लोरीन लगा है, 1,2 पहली और दूसरी पोजीशन पे क्लोरो, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन है ये, इसलिए इसको बोला 1,2 डाइक्लोरो इथेन, यहां पे ये वाला, और विद सोडियम टेट्रा सल्फाइड Na2S4, ये आपका बन गया Na2S4, देखो दो Na लगे हैं और S कितने हैं, 4 Na S
एस एन ए, और इस एस के साथ दो एस और लगे, ये बना एन ए टू एस फोर, सोडियम टेट्रा सल्फाइड। तो डाइक्लोरोइथेन और सोडियम टेट्रा सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच होल ट्वाइस, इस प्रेजेंस इसकी प्रेजेंस में इसको बनाते हैं। होगा क्या, देखो इसमें क्या है, ये Cl है तो NaCl यहाँ से रिमूव हो जाता है और आगे वाला NaCl यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये लिंक हो जाएगा। ये वाला जो Cl है ये पीछे किसी चेन के साथ निकल जाएगा, इसलिए ऐसे रखा हुआ है। फिर ये CH2 आ गया, ये CH2 यहाँ पे CH2, ये CH2, ये वाला CH2, Cl यहाँ से रिमूव हो गया, Na यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये CH2 डायरेक्टली S से जुड़ेगा, तो ये डायरेक्टली किससे जुड़ गया, S से। फिर आगे वही, ये S इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और यहाँ पे Na फिर रिमूव हो गया, Cl फिर, तो ये वाला S डायरेक्टली जुड़ेगा CH2 के साथ, CH2 के साथ, और ये वाला जो क्लोरीन है ये भी आगे फर्दर आगे वाली चेन के साथ रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा क्या, NaCl। तो दिस इज थायोकोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉली सल्फाइड रबर, क्योंकि सल्फर है इसमें, बहुत सारे सल्फर हैं, पॉली सल्फाइड रबर भी इसको बोलते हैं। इट हैज स्लाइटली लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, बूना एन और बूना एस के कंपेरिजन में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है देन नेचुरल रबर, बट इज एक्सेप्शनली रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ मिनरल ऑयल सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सीजन एंड ओजोन। ये भी एक बाकी सब सिंथेटिक रबर्स की तरह पे रेजिस्टेंट होता है ऑयल से, सॉल्वेंट्स, ऑक्सीजन एंड ओजोन। सो दिस इज योर थायोकोल। तो ये हो गए आपके सिंथेटिक रबर्स क्या होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक रबर। तो इसके साथ ही आपका ये जो पॉलीमर यूनिट है ये कंप्लीट हुआ, ये इसमें लास्ट आपका एक टॉपिक था। ओके, थैंक यू।